सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉयज को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह के कस्टमर रिव्यू देखने के लिए। हेलो गाइस, टेक टॉयज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित बर्मन। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसा दो ट्रिक के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, जिससे कि आपका टीवी ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको अपना टीवी को मैन्युअली अपने टीवी का पावर बटन से उसे क्लिक करके ऑन करना होता है। तो ये ट्रिक को करने के बाद आपका टीवी 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा। ये फैसिलिटी ज़्यादा CRT टीवी में होता है। एक्चुअली LED टीवी में डायरेक्ट फैसिलिटी, डायरेक्ट सेटिंग आपको नहीं दिया जाता है। दो ट्रिक मैं बताऊंगा, उससे आपको दो कोड बताऊंगा जिससे कि आपका टीवी ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा टीवी को ऑटोमेटिक मुझे पावर ऑन नहीं करना होगा, मुझे मैनुअली पावर ऑन करना होगा। देख सकते हैं ये मेरा टीवी का रिमोट है, जिससे कि ये सबसे ऊपर आपका पावर बटन है। तो इससे मैं अपने टीवी का पावर ऑन कर लेता हूँ। तो एक ऐसा कोड है जिसको आपको YouTube में भी आसानी से मिल जाएगा। तो दूसरा मैं कोड बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका अगर उस वाले कोड से नहीं होता है तो इस वाले कोड से ज़रूर आपका टीवी ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहला कोड यही है कि आपका टीवी में जो मेन्यू बटन है उसे आपको क्लिक करना होगा। ये देख सकते हैं आप मेन्यू बटन मेरे टीवी में, ये देखिए, ये रहा, ये मेन्यू बटन को क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद मुझे एक कोड होता है 1147। काफ़ी लोगों का टीवी 1147 क्लिक करने पर वो ऑप्शन क्लिक हो जाता है, वो ऑप्शन आ जाता है। अगर वो ऑप्शन से नहीं होता है तो जो मैं दूसरा ऑप्शन बताना जा रहा हूँ उससे ज़रूर हो जाएगा। जैसे कि मेरा इसमें ये काम नहीं कर रहा है इस टीवी में, तो मेरे पास एक और कोड है जिससे मैं अपने टीवी का ऑटो पावर ऑन बटन ऑप्शन को ऑन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके रिमोट में सोर्स बटन या फिर इनपुट बटन कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे बटन में यहाँ सोर्स बटन है, देख सकते हैं सोर्स बटन को क्लिक करना होगा। सोर्स बटन को क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा कि इसमें एक कोड है उससे आपको क्लिक करना होगा 2580। दोस्तों सोर्स बटन को दबाने के साथ साथ ही करना होगा, मैंने थोड़ा लेट कर दिया, 2580। देखिए ये खुल गया, देख सकते हैं इसी सेटिंग का मैं बात कर रहा था आपको। ये जो सेटिंग है, ये जो ऑप्शन है, ये नहीं खुलता है, इसको आपको कोड दबाने के बाद ही खुलेगा ये। तो उसके बाद क्या करना होगा कि आपको अपने ये जो पावर जो नीचे अप डाउन बटन है इसे नीचे क्लिक करना होगा। ये देखिए इसमें कई सारा ऑप्शन है, इसमें हमें नहीं आना है, इसमें आपको नीचे वाला ऑप्शन पे आना है। ये जो पिक्चर साउंड सेटिंग, ये अलग ही सेटिंग है, ये फैक्ट्री सेटिंग है दोस्तों, इसको आपको कोड दबा कर ही लाना होगा, ऐसे अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग में आपको क्लिक करना होगा, ओके क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो पावर मोड है, ये देख सकते हैं ये स्टैंड बाय में है, यानी ये ऑफ है। इसे हमें क्या करना होगा, इस वाले बटन से हमें एक बार दबाना होगा एंटर बटन को दबाना होगा। ये देखिए उसके बाद ये ऑन हो गया, देख सकते हैं ये पावर मोड ये ऑन हो चुका है, ये ऑटोमेटिक हो चुका है। अभी मैं आपको टीवी को ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि अपने स्विच को ऑफ कर देता हूँ टीवी के। ये देख सकते हैं आप टीवी ऑफ हो चुका है, अभी मैं स्विच ऑन करने वाला हूँ। तो ये दोस्तों 5 सेकंड लगता है, ये देखिए रिमोट यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने कुछ नहीं दबाया अभी तक। देखिए ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो गया। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप अपने टीवी का ऑटोमेटिक पावर ऑन कर सकते हैं। इससे पहले जो ट्रिक मैंने बताया है वो किसी के टीवी में काम करते हैं या किसी के टीवी में नहीं करते, तो इस वाले ट्रिक से ज़रूर आपका टीवी में काम करेगा। तो यही दो ट्रिक है गाइस, इससे आप अपने टीवी का मैनुअल जो पावर ऑन करने का जो झंझट है उससे बच सकते हैं। सो गाइस इसमें इतना ही है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।
और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।